हेलो एवरीवन, कैसा का है? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स के बारे में। तो दो तरीके से एनालिसिस करेंगे। एक होता है क्वांटिटेटिव, तो ये क्वांटिटी वर्ड से बना है, डैट मीन्स अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, तो इसलिए इसमें कैलकुलेशन आएगा। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड बात हो गई। सेकेंड जो है वो क्वालिटेटिव, डैट मीन्स क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, डैट मीन्स ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पर बेस्ड आएंगे। और कितने एलिमेंट का एनालिसिस करना है वो भी फिक्स है, कार्बन का करना हमें, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, हैलोजन का, सल्फर का और फास्फोरस का। ये तीन इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए एक तरीके से, और ये ऑर्गेनिक वाले। तो टोटल 6 एलिमेंट का हमें एनालिसिस करना है क्वांटिटेटिव में और क्वालिटेटिव में, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव के बारे में। नाउ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, राइट। तो इट्स वेरी सिंपल, कंसेप्ट क्या है, वी नो टोटल 6 एलिमेंट है हमारे पास, राइट। तो आपको क्या करना है, जो भी अननोन सैंपल होगा, राइट, जैसे मान लो ये अननोन सैंपल है, तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं, कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और हैलोजन। मिनिमम 2 एलिमेंट होंगे, मैक्सिमम ये 6 हो सकते हैं, राइट। तो ये अननोन सैंपल है, तो इसके मास को मैं बोल रहा हूँ, ms को, इसका मास आपको क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगा। तो मास ऑफ सैंपल जो आपको गिवन होगा, जब क्वेश्चन में पढ़ के कैसे पता लगेगा, तो जब बोला कि मास ऑफ द सैंपल ऐसे, या मास इज दिस, बताया नहीं कि वो किसका है, राइट, मेंशन नहीं किया, तो वो मास क्या है, सैंपल का मास है, तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा। दूसरा mr मतलब मास ऑफ रेफरेंस, डैट मीन्स जब इन सबको बर्न करेंगे या किसी पर्टिकुलर रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे, तो जो कंपाउंड बनेगा वो रिफरेंस होगा हमारा, और उसका मास भी आपको गिवन होगा, वो पर्टिकुलरली मेंशन होगा कि मास ऑफ दिस। रिफरेंस क्या है, वेरी सिंपल है, ध्यान से समझो, सीरियल नंबर से लिखा, अगर कार्बन होगा तो उसके लिए रिफरेंस CO2, तो CO2 का मास दे देगा आपको। हाइड्रोजन होगा तो उसके लिए वाटर को रिफरेंस लेंगे, राइट। अगर हैलोजन होगा तो AgX, सिल्वर के हैलाइड रिफरेंस हो जाएंगे। सल्फर हुआ तो बैरियम सल्फेट। फास्फोरस हुआ तो 2 रेफरेंस यूज करते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग जाना है, वो मेंशन रहेगा, Mg2P2O7 या फिर अमोनियम फॉस्फेट 12 है, मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, राइट। तो ये दोनों यूज करते हैं फास्फोरस के लिए। नाइट्रोजन के लिए N2 है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन अभी करेंगे। तो ये 5 अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 एलिमेंट उसके रेफरेंस फिक्स हैं, मॉलिक्यूलर वेट आपको रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमने लिख दिया है, राइट। क्यों? क्योंकि एग्जाम में सबके एटॉमिक वेट गिवन होंगे तो आप निकाल सकते हो। तो इसलिए मास ऑफ रेफरेंस का मतलब यही है कि रेफरेंस के मास आपको गिवन होंगे, राइट। तो हमें क्या करना है, मास ऑफ एलिमेंट निकालना है। तो मास ऑफ एलिमेंट कैसे निकाल सकते हैं, रेफरेंस के मास में उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, मोल्स, राइट। सिंपल मोल कॉन्सेप्ट लगाना है, जो भी रेफरेंस होगा उसके वेट में, गिवन वेट में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे उसी के, तो क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू एटॉमिक वेट, जिस एलिमेंट का आप निकाल रहे हो मास उसका एटॉमिक वेट, इंटू नंबर ऑफ एटम ऑफ डैट एलिमेंट इन डैट रेफरेंस कंपाउंड, राइट। तो इस तरीके से मास ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। तो ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो एक्चुअली है क्या, परसेंटेज वेट बाय वेट है। ये 5 एलिमेंट का परसेंटेज वेट बाय वेट आपको निकालना है। और परसेंटेज वेट बाय वेट कैसे डिफाइन करते हैं, वेट ऑफ एलिमेंट बाय टोटल वेट इंटू 100 परसेंटेज है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे परसेंटेज कार्बन आपको बोला जाए निकालने को, तो मास ऑफ रेफरेंस दैट इज CO2 का गिवन होगा, उसका मास पुट कर दो डिवाइडेड बाय 44, तो ये मोल्स आ गया CO2 का, बट ये मोल्स जो है वो CO2 का, राइट। उसमें वी नो कि 1 मोल ऑफ CO2 में कितना कार्बन है, 12 ग्राम, तो इतना मोल में कितना होगा, तो इंटू 12। वही बोला कि मास ऑफ रेफरेंस बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ रेफरेंस दैट इज 44, एटॉमिक वेट 12, नंबर ऑफ एटम इसमें कार्बन का एक ही है, राइट। इसीलिए आपको सिर्फ 12 किया, अगर मान लो ऑक्सीजन का निकालना होता तो कितना करते, 16 होता है एटॉमिक वेट, इंटू 2 करना पड़ता है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम का, वही मतलब है कि रेफरेंस में उसके कितने हैं एटम, राइट। तो ये मास ऑफ एक्चुअली क्या हो गया, सी डिवाइडेड बाई मास ऑफ सैंपल दैट इज टोटल मास इंटू 100। वैसे ही हाइड्रोजन का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, रेफरेंस का मास दैट मीन्स वाटर का गिवन होगा आपको, डिवाइडेड बाई 18, तो मोल्स हो गए, इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि 2 आइटम है उसके, राइट, एटॉमिक वेट 1 है, इंटू 2 डिवाइडेड बाय सैंपल का मास इंटू 100। वैसे ही सल्फर हो या हैलोजन हो या फास्फोरस हो, जो भी हो, तो क्या हो जाएगा, उसका जो रेफरेंस है जो यहाँ लिख दिया उसके गिवन वेट में डिवाइड कर देना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेफरेंस के मॉलिकुलर वेट से, इंटू वही एटॉमिक वेट इंटू नंबर ऑफ एटम, सल्फर में एटॉमिक वेट आपका कितना है, 32, राइट, और एटम कितने हैं, एक ही हैं, डिवाइडेड बाय सैंपल का मास इंटू 100।
तो ये है और इसको देख करके बच्चे डर जाते हैं। ये सिंपल मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है बेटा, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, अच्छे से समझ लो। अभी मैं कुछ प्रॉब्लम लेकर के भी समझाऊंगा। तो नाइट्रोजन के लिए जैसा आपको बताया कि इसके लिए हम लोग डिफरेंट वे में करेंगे, बाकी पांच एलिमेंट के लिए आपको बताया था सिंपल है। बाय द वे ये भी परसेंटेज वेट बाय वेट ही है, लेकिन निकालने का तरीका थोड़ा सा दूसरा है। तो नाइट्रोजन के केस में दो मेथड यूज करते हैं, एक को बोलते हैं दुमस मेथड, एक को बोलते हैं जेलधाल मेथड। तो दुमस मेथड में परसेंटेज N2 कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ N2 लेना आपको। अगर क्वेश्चन मेंशन है तो अच्छी बात है, बट कहाँ पे ये ध्यान दें, STP पे। क्यों? क्योंकि उसी लिए हमने 224 से डिवाइड किया है। तो अगर STP पे वॉल्यूम मालूम है, उसको 224 से डिवाइड किया, तो एक्चुअली क्या हो गया, ध्यान से देखो, मोल्स इंटू N2 है तो 28 उसका मॉलिकुलर वेट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मास ऑफ N2 हो गया डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल इंटू 100। तो बाय द वे ये भी परसेंटेज वेट बाई वेट ही है, जस्ट यहाँ पे वॉल्यूम से जा रहे हैं। नाउ जो VN2 है वो STP पे है, तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो आप कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल इक्वेट करके कि P1V1/T1 ये किसी भी कंडीशन पे है और ये STP पे, तो STP पे प्रेशर कितना हो जाएगा MMHg में, 180 या 760 MMHg, वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP जो निकालना है, और टेम्परेचर STP पे कितना लेते हैं, 273। तो वॉल्यूम ऑफ N2 कितना आ जाएगा, ये सब इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो P1V1 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 760 इंटू T1, जहाँ पे P1 किसी अदर कंडीशन में STP को छोड़ करके, V1 भी किसी अदर कंडीशन में, ये STP वाला टेम्परेचर है फिक्स हो गया, ये STP वाला प्रेशर है, और ये T1 अगेन किसी अदर कंडीशन में। तो इससे आपको वॉल्यूम ऑफ N2 आ जाएगा STP पे, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो। ध्यान दें, ये जो P1 लेना है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन, अगर कहीं पे एक्वस टेंशन भी मेंशन है क्वेश्चन में तो उसको माइनस कर देना है, तो यहाँ से आपको निकालना है। तो ये एक तरीका है, ये बेटा नया नहीं है, अगेन आई एम टेलिंग ये परसेंटेज वेट बाई वेट है, जस्ट वॉल्यूम से जा रहे हैं। सेकेंड मेथड जेलधाल मेथड, तो इसमें परसेंटेज N हम निकाल सकते हैं, ये भी परसेंटेज वेट बाई वेट है, 2.8 एक फिक्स नंबर हो गया। ये M जो है वो क्या है, मोलारिटी ऑफ H2SO4, जो आपको क्वेश्चन मेंशन रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड की मोलारिटी आपको पुट करना है। V जो है वो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 पुट करना है, ये जो V1 है वो वॉल्यूम ऑफ NOH है, क्वेश्चन में गिवन है तो पुट करके उसका हाफ कर देंगे, नहीं गिवन है तो इसको नेग्लेक्ट कर देना आपको, तो सिर्फ V रह जाएगा, समझ गए बात। और MS तो आपको मालूम है कि वो सैंपल का आपको जो वेट गिवन होगा, राइट। तो ये भी परसेंटेज W/W है। ध्यान रहे, जेलधाल मेथड से तीन तरह के हम कंपाउंड को नहीं एस्टिमेट कर पाते हैं। एक नाइट्रो ग्रुप वाले, दैट मीन्स जिसमें भी नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड हो, देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, या एजो वाले में यहाँ भी डबल बॉन्ड है, या नाइट्रोजन रिंग में फंस गया हो। क्यों? क्योंकि इन सबसे नाइट्रोजन डिटैच होगा नहीं, नाइट्रोजन बाहर आएगा नहीं, इसलिए आपको फिर ये जेलधाल टेस्ट भी नहीं देंगे। तो ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, और ये कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दुमस मेथड है, 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड के 50 ml N2 एट 300 केल्विन, 715 mmHg प्रेशर है, तो परसेंटेज नाइट्रोजन बताना है, एक्वस टेंशन आपको गिवन है। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ के मैं कैसे पता लगा रहा हूँ, यहाँ पे 0.3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड और कौन सा है वो नहीं बताया, डेट मीन्स ये सैंपल का मास है, तो मास ऑफ द सैंपल आपको आ चुका है, डेट इज 0.3 ग्राम। उसके बाद ध्यान से समझे, यहाँ पे जो वॉल्यूम है N2 का 50 ml वो 300 केल्विन, डेट मीन्स STP पे नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन था, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, P1 एट एनी कंडीशन V1/T1 इज इक्वल टू P एट STP, वॉल्यूम एट STP, राइट, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, यू नो STP पे 273। तो वॉल्यूम एट STP क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, वॉल्यूम एट STP क्या आ जाएगा, P1 कैसे निकालेंगे, 715 था, उसमें से एक्वस टेंशन माइनस कर देना है 15, तो कितना हो जाएगा 700, राइट। V1 कितना हो गया, ध्यान से देखो, 50 ml, और ये 273 डिवाइडेड बाय, अब ये T1 जो आपको गिवन था, डेट इज 300 केल्विन, और जो प्रेशर होगा STP पे वो 760 होगा, तो इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये अप्रॉक्स में आ जाएगा आपको 42। कैसे, तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल कर सकते हो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर सकते हो, राइट, ये 5 से 15 टाइम्स में जाएगा, ये 7 से 7 टू टाइम्स में जाएगा, 3 टू द 6, तो ये अप्रॉक्स में 42 के आसपास आ जाएंगे, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज,
कि ये जो वॉल्यूम है वो एसटीपी पे आया है, तो अब हमें परसेंटेज एन निकालना है। तो वॉल्यूम एट एसटीपी डेट इज 42 डिवाइडेड बाय 22400 ml में था मोल्स इंटू 28 बाय मास ऑफ द सैंपल डेट इज 0.3 इंटू में 100, राइट। तो अब ध्यान से देखो, ये दो जीरो से इसका दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसका 0.3 से ऊपर में चला जाएगा 10, ये 3 से 4 इसमें चले जाएंगे, राइट। तो अब इसको कट पिट करोगे तो अप्रॉक्स ये 17.5% के आसपास आ जाएगा। पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन आपको नहीं करना है क्योंकि ये काफ़ी फार हैं, तो ये सब ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ए। क्वेश्चन नंबर टू में जेलधाल मेथड है, 0.5 ग्राम कंपाउंड, अगेन कुछ नहीं मेंशन है, तो वो क्या हो गया आपको, सैंपल का मास डेट इज 0.5 ग्राम, राइट। 10 ml वॉल्यूम किसका है, ध्यान से देखो, H2SO4 का ml में ही चाहिए था हमें, तो अच्छी बात है वो मिल गया, मोलारिटी भी आपको मिल चुका है, डेट इज 1। तो फार्मूला अपना क्या था, परसेंटेज एन के लिए 2.8 इंटू वॉल्यूम ml में ध्यान दे मोलारिटी बाई मोलर मास ऑफ सैंपल, ये डायरेक्ट परसेंटेज में आ जाता, पुट कर दो 2.8 वॉल्यूम ml में 10, मोलारिटी स्टैंडर्ड में तो 1, और सैंपल का मास 0.5 ग्राम वो ग्राम में चाहिए। तो ध्यान से देखो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, राइट, 0.5 का ऊपर 2, तो ये 56% ऑप्शन है। तो इस टाइप से करना बहुत ईजी, इस पर बेस एक प्रॉब्लम रहती है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में 0.246 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, जो कि आपको 0.198 ग्राम CO2 दे रहा है और 0.1014 ग्राम H2O, तो परसेंटेज कार्बन और हाइड्रोजन, तो इसी की बात कर रहा था। आपको सैंपल का मास गिवन है, रेफरेंस का मास गिवन है, तो अगर परसेंटेज सी निकालना होगा तो रेफरेंस का मास कितना था, ध्यान से देखो, 0.198, राइट, डिवाइडेड बाय आपको इसका CO2 का तो 44 इंटू में कार्बन, CO2 में एक ही है तो 12, डिवाइडेड बाय सैंपल का मास आपको गिवन था कितना, 0.246 इंटू 100, ऐसे करके निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखो, तो इसको ज़्यादा ये नहीं करना है, ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ कैलकुलेशन, 0.198 बाय 44 इंटू में 12 है, राइट, नीचे में डिवाइडेड में आपका 0.246 है और इंटू में इधर 100 है, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, 198 को अप्रॉक्स आप कितना ले लेंगे, 200 के आसपास, 246 को आप कितना ले लेंगे, 250 के आसपास, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो 250 से ये कैंसिल हो जाएंगे, 12 से ये 12, 2 द 2 से ये 25 द, राइट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, और ये 44 को अगर आप 45 लेते हो तो ये 9 टाइम्स में, तो ये अप्रॉक्स में 21% के आसपास आ जाएगा, तो इस टाइप से करना है। सिमिलरली परसेंटेज हाइड्रोजन निकालना हो तो कैसे निकलेगा आपका, इसका गिवन है 0.101 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 2 डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल का मास 0.246 इंटू 100, तो ये अप्रॉक्स में आपको आ जाएगा 4.5% के आसपास, तो इस तरीके से इजीली कर सकते हैं। जैसे कैरियस मेथड में 0.15 ग्राम सैंपल, तो डेट मीन्स सैंपल का मास दे दिया आपको डायरेक्ट, इतना ग्राम AgBr, तो Br का परसेंटेज, तो परसेंटेज Br क्या हो जाएगा, रेफरेंस का मास आपको गिवन है 0.12 डिवाइडेड बाय इसका टोटल, तो 188, क्योंकि Ag का 108 और Br का 80, राइट, इंटू में Br उसमें कितना है, एक ही है, राइट, तो कितना होता है उसका 80 डिवाइडेड बाय सैंपल का कितना है 0.15 इंटू में 100, अगेन कैलकुलेशन इजी है, कैसे देखो, 0.12 इंटू 80 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 188 इंटू 0.15, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 34 द 35 द, राइट। तो 188 को आप अप्रॉक्स 200 के आसपास ले सकते हो, तो आप यहाँ पे अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो तो 34-35 के आसपास, तो ये आ जाएगा परसेंटेज में, तो इस तरीके से आपको करना है। नाउ क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन रहते हैं, तो ध्यान से देखो, अगर कार्बन या हाइड्रोजन को अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो तो पहले क्या करना है, कार्बन या हाइड्रोजन वाले सैंपल जो अननोन सैंपल है उसकी रिएक्शन कॉपर के ऑक्साइड कॉपर प्लस 2 में होना चाहिए, ये सब पॉइंट ध्यान में रखना है, कॉपर के ऑक्साइड इससे रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होता है, कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन H2 में और कॉपर 0 में आ जाएगा। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है तो उसकी रिएक्शन लाइम वाटर से करा देंगे तो प्रिसिपिटेट आ जाएगा, राइट, तो इसका मतलब CO2 था, डेट मीन्स कार्बन था, तो कार्बन का डिटेक्शन ऐसे होता है।
वैसे ही अगर वाटर होगा तो कॉपर सल्फेट में ऐड कर देते हैं एनहाइड्रस वाले में, जो वाइट कलर का होता है, वाटर ऐड होते ही ब्लू कलर में आ जाएगा। इसका मतलब वाटर था मतलब हाइड्रोजन था। तो कार्बन और हाइड्रोजन को इस तरीके से हम लोग पहचानते हैं। वैसे ही नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फॉस्फोरस, इन सब के लिए एक कॉमन टेस्ट है, डैट इज लसाइन टेस्ट, और वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पहले आप क्या करेंगे, इन सब में सोडियम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, पहले इन सब में सोडियम ऐड कर देंगे, तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट उसको बोलते हैं। तो कार्बन नाइट्रोजन होगा तो NaCN, सल्फर होगा तो Na2S, हैलोजन होगा तो NaX, ये बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। बात समझ में आ गई, जो अननोन सैंपल होगा उसमें सोडियम डाल करके उसको रिएक्शन करा देना है, तो जो प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ये कंपाउंड बन जाएंगे। फिर फर्दर इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। अब कैसे, अगर नाइट्रोजन का करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले साइनाइड आयन बना होगा सी और एन से, NaCN से, तो इसकी रिएक्शन आयरन प्लस टू वाले कंपाउंड से करेंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर आयरन प्लस थ्री वाला कंपाउंड उसमें ऐड करना है, तो इसका थ्री है वैलेंसी, इसका फोर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फार्मूला भी ध्यान में रखना है, पूछा जाता है आयरन यहाँ पे फोर कैसे, ये थ्री इधर जाएगा, फोर इधर जाएगा, राइट। और इसका टोटल एफिशियंसी इसका टोटल थ्री रहेगा, तो ये पर्शियन ब्लू कलर आते हैं, इसका मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट है। वैसे ही सल्फर का करना हो तो दो टेस्ट हैं, लेड के कंपाउंड प्लस टू वाले से कराओ, अगर ब्लैक कलर का प्रिसिपिटेट आ रहा है तो कन्फर्मेशन हो गया, या फिर FeCN5NO वाले कंपाउंड से कराओ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से, तो सल्फर इसके अंदर घुस जाएगा, नॉस मतलब सल्फर भी आ जाएंगे, और वायलेट कलर अगर मिल रहा है तो सल्फर का डिटेक्शन हो चुका है। वैसे ही नाइट्रोजन और सल्फर दोनों अगर प्रेजेंट हो तो उसके लिए सिंपल थायोसाइनाइड बनेगा यहाँ पे, राइट, HCN वाला सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में, उसकी रिएक्शन आयरन प्लस थ्री वाले किसी भी कंपाउंड से करा दो, ब्लड रेड कलर आ रहा है तो मतलब नाइट्रोजन सल्फर दोनों प्रेजेंट है। वैसे ही हैलोजन के लिए आप सिल्वर के किसी कंपाउंड प्लस वन वाले से रिएक्शन करा दो, तो आपको AgX का प्रिसिपिटेट मिल जाएगा, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि हैलोजन है। और फास्फोरस के लिए पहले उसको सोडियम परऑक्साइड में, डैट मीन्स फास्फोरस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं उसके हाईएस्ट प्लस फाइव तक, डैट इज Na3PO4 बना लेते हैं। फिर उसमें ये कंपाउंड डालते हैं, इसको ध्यान में रखना है, अमोनियम टेट्रा मोलिब्यूडेट है, जिससे NH4O3PO4, क्योंकि PO4 पे माइनस थ्री होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए NH4 पे एक प्लस है तो तीन, ये तो अमोनियम फॉस्फो मोलिब्यूडेट बोलते हैं, और ये 12MOO3 ये MO मोलिब्यूडेनम है, तो ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। हैलोजन का कैसे करते हैं, नाइट्रोजन सल्फर दोनों हो तो, एंड सो ऑन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट इतना ध्यान में रखना बेटा आपको। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो अननोन सैंपल होगा उसमें कार्बन होंगे, हाइड्रोजन होंगे, नाइट्रोजन होंगे, तो इसलिए XYZ उसके हमने नंबर ले लिए। उसकी रिएक्शन कॉपर प्लस टू वाले ऑक्साइड से कराना है, तो कार्बन होगा तो क्या मिलेगा, CO2, हाइड्रोजन होगा तो क्या मिलेगा, H2O, नाइट्रोजन होगा तो N2, राइट। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो यहाँ जितना कार्बन में X है तो XCO2 कर देना है, हाइड्रोजन में Y है ऑलरेडी 2 है तो इसलिए Y/2 किया, नाइट्रोजन में जेड है ऑलरेडी यहाँ पे 2 है तो इसलिए Z/2 किया, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2X और इधर से Y/2, तो इसलिए ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो 2X प्लस Y/2, तो कॉपर भी इतना हो गया तो इसलिए इधर 2X प्लस Y/2 किया। तो इसको ऐसा नहीं कि रटना है, बस समझते हुए, इसका भी यूज हो सकता है कि इसके इतने मोल से कितने मोल्स मिलेंगे, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या क्या क्या मिलता है। दूसरा, जो भी आपको बताया कि दूमस या जेलधाल मेथड से नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालते हैं, कैरियस मेथड से हैलोजन सल्फर या फास्फोरस का, और लैविक्स मेथड से कार्बन या हाइड्रोजन का, तो ये सब जो है वो क्वांटिटेटिव वाले, क्वांटिटी जो अमाउंट निकालते थे परसेंटेज वाले, तो ये वो मेथड है। और लसाइन टेस्ट से हम नाइट्रोजन सल्फर या हैलोजन का पहचान करते हैं, राइट। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा बेटा। सारे ये वाले कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट और ईजी हैं, और यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है रहेगा, इसलिए इसको अच्छे से करके जाना, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन आपका फिक्स है एवरी ईयर मेंस के एग्जाम में। थैंक यू।